सो फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इस नए लेक्चर में आज हम बात करेंगे जियो फिजिकल मेथड्स की मेरा नाम है शिवम पांडे और हमने कुछ पार्ट हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड का सो वील बी स्टडी अबाउट डैट एंड देन वील मूव ऑन टू द अदर मेथड देयर सो लेट अस स्टार्ट नाउ ऑल राइट हमने इससे पहले जो हमने कवर किए हैं टॉपिक वो एस पी टी है डी सी पी टी है एंड देन सी पी टी है ऑल राइट इवन हमने वेन वेनशेयर टेस्ट भी हमने कवर किया था ओके सो जियो फिजिकल मैथड्स की यदि मैं बात करूँ तो जियो मीन्स अर्थ एंड देन दिस फिजिकल मीन्स वॉट यूजिंग सम काइंड ऑफ फिजिक्स ओके सो वॉट आर द फिजिक्स वील बी यूजिंग आई विल बी डिस्कसिंग टू थिंग्स तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड की उसके बाद हम जाएंगे सीस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड पे ओके सो लेट अस बिगिन हेयर कुछ डिस्कशन मैंने पहले भी किया था बट uh, इस नए टॉपिक पर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड नाउ ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा ये रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा सो लेट अस सी है फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ चेंजेस इन द मीन रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस सॉयल ईच सॉयल हैज इट्स ओन रेजिस्टिविटी ओ राइट डिपेंडिंग अपॉन वॉट वाटर कंटेंट कॉम्पैक्शन एंड मिनरल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर आप खुद समझ सकते हैं यदि मैं अगर कोई सॉयल की बात करूँ है ना एक लेट से लेयर ये है दूसरी लेयर कुछ है और तीसरी लेयर नीचे कुछ और है है ना जट से लेयर वन है लेयर टू है लेयर थ्री है हर कोई सॉयल का रेजिस्टेंस अलग अलग हो होगा है ना कुछ सॉयल में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी कुछ सॉयल में रेजिस्टिविटी कम होगी ऐसा होगा तो इसी रेजिस्टिविटी का हम एप्लीकेशन जो हम देखते हैं वो हम आज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के माध्यम से देख रहे होंगे ओके तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सारी रेजिस्टिविटीज़ कुछ ना कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती हैं जैसे वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा जब हमने कॉम्पैक्शन की बात करी थी तब शायद हमने बात करी थी कि यदि वाटर कंटेंट ज़्यादा है राइट वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो क्या होगा वो साथ में परमिबिलिटी को परमिट करेगा है ना जब परमिबिलिटी की बात करी थी आई थिंक तब हमने डिस्कशन किया था इस चीज़ का यदि मान लो एयर कंटेंट ज़्यादा होता है तब क्या होगा जो परमिबिलिटी है वो थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगी वहाँ पर है ना एयर जो है ब्लॉक कर देगा वाटर को आने के लिए और परमिबिलिटी विल बी गेटिंग रिड्यूस उसी तरीके से जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो कि यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों की बात करी है जो कि वाटर कंटेंट हुआ कॉम्पैक्शन हुआ या फिर जितना भी मिनरल स्ट्रक्चर हुआ उसके बारे में बात होती है अच्छा तो हम यहाँ पर टेस्ट प्रोसीजर पर आते हैं सीधे यहाँ पे देर आर फोर मेटल स्पाइक्स राइट फोर मेटल स्पाइक्स आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोड्स ओके दीज स्पाइक्स आर ड्रिवेन इन द ग्राउंड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट इक्वल इंटरवल्स सेकेंड पॉइंट इज थर्ड थिंग करंट आई From a battery flows through the soil between the two outer electrodes. This produces when the current is being flown. अब क्या होगा इसके कारण क्या होगा एक electric field is getting produced within the soil, which is measured as electric potential E between two inner electrodes. तो ये रहा आपका content. अब हम diagram पे देखते हैं. हमने क्या किया? कुछ electrodes set किए. Let's say one यहाँ पे, two यहाँ पे, three यहाँ पे और four यहाँ पे. तो ये जो है आपके चार electrode हमने fix किए. हमने क्या किया इसको इक्वल डिस्टेंसेस पे फिक्स किया है ये डी डिस्टेंस है सिमिलरली इसको डी डिस्टेंस पे और डी डी डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे कर रखा है सो डी इज नथिंग बट द स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स राइट अच्छा यदि मैं बात करता हूँ जो आउटर इलेक्ट्रोड्स हैं वन और फोर तो इन आउटर इलेक्ट्रोड्स पर मैंने क्या किया मैंने करंट पास कराया मैंने करंट पास कराया बैटरी के मदद से तो क्या होगा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी ऑल राइट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी ये कौन मेजर करेगा ये मेजर करेंगे जो इनर इलेक्ट्रोड्स हैं ऑल जो ये वाला इलेक्ट्रोड है और ये वाला इलेक्ट्रोड है दिस इज मेजरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गेटिंग जनरेटेड ऑल राइट यदि मैं बात करता हूँ अपेरेंट रेजिस्टिविटी की तो यहाँ पे समझिएगा कि जैसे ये लेयर वन है यदि और ये लेयर टू है तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी सॉयल की डेट से सॉयल वन यहाँ पे है और सॉयल टू यहाँ पे है तो दोनों सॉयल की अलग अलग रेजिस्टिविटी है अगर दोनों सॉयल अलग अलग हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी तो कुछ रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रही होगी और कुछ रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रही होगी तो अभी हम जानेंगे कि यदि हम इसको मैं दूर लेके चला जाता हूँ यदि इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग को मैं बढ़ा देता हूँ तो लेयर टू कैसे इफेक्ट कर रहा होगा या फिर मैं बात करता हूँ कि इनको ऐसे ही रहने दूँ और फिर चेक करूँ करंट बढ़ाने पे या चेक करने पे कि क्या क्या चेंजेस इसमें आ रहे हैं कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि सॉयल वन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है कि सॉयल टू की रेजिस्टिविटी ज्यादा है ओके सो लेट इज सीयर सबसे पहले हम बात करते हैं अपेरेंट रेजिस्टिविटी डेट इज गिवन बाय रो इट इज गिवन बाय टू पाई डी ई बाई आई जहाँ पे आपको जो रो है दिस रो इज़ इज़ अपेरेंट रेजिस्टिविटी गिवन बाय ओम सेंटीमीटर डी जो है वो है आपका स्पेसिंग बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड जो कि सेंटीमीटर्स में दिया गया है जो ई e है दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रोड्स हैं दो उन्होंने मेजर किया है जो कि वोल्ट्स में है और राइट right, फिर हमने करंट की बात करी जो कि करंट है और राइट सिंपल एम्पियर्स में जो इसको हम डिनोट करते हैं नो अपेरेंट रेजिस्टिविटी इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ द टू रेजिस्टिविटी अप टू अ डेप्थ डी इन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉयल अब इसको समझने से पहले ये समझिएगा कि वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है यदि हमने बात करी अलग अलग रेजिस्टिविटी की है ना अलग अलग रेजिस्टिविटी में तो इसमें ये समझिएगा कि हमने वेट्स असाइन कर रखे हैं वेट्स मतलब एक तरीके से महत्व दे रखा है यदि मैं बात करूँ मार्किंग सिस्टम की तो जो आपका फर्स्ट ईयर होता है उसके लेट से ट्वेंटी मार्क्स ही सिर्फ काउंट किए जाएँ ऑल जो आपका सेकेंड ईयर है उसके आपके फिफ्टी मार्क्स ही काउंट किए जाएँ आपका जो थर्ड ईयर है उसके 75 परसेंट मार्क्स काउंट किए जाएँ और जो आपका फाइनल ईयर है उसके आपके 100 परसेंट मार्क्स काउंट किए जाएँ यदि इस प्रकार से इस प्रकार से आपकी मार्कशीट बन के आए और राइट तो ये क्या हो गया आपने हर एक ईयर को लेट्स ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर आपने क्या किया उसको वेटेज दे दिया कि जो फाइनल ईयर है उसका बहुत महत्व है है ना तो आपके जो ग्रेडिंग सिस्टम है या मार्किंग सिस्टम है उसमें फाइनल ईयर का बहुत महत्व है देखा जाए तो फर्स्ट ईयर का सबसे कम महत्व है और राइट ट्वेंटी का ही महत्व है तो इसको हमने वेटेज प्रोवाइड किया वैसे ही यहाँ पर भी होता है हम इसको यहाँ पर वेटेज प्रोवाइड करते हैं ठीक रेजिस्टिविटी है तो बट उसको कितना महत्व दिया जाएगा ऊपर वाली रेजिस्टिविटी को ज्यादा महत्व दिया जाएगा कि नीचे वाली रेजस्टिविटी को ऊपर और नीचे का समझ रहे हैं पे यहाँ पे कि ये लेयर वन जो ग्राउंड लेवल के सबसे पास में है उसको ज्यादा महत्व देंगे या फिर जो लेयर टू है जो कि ग्राउंड लेवल से नीचे है राइट सो दिस इज द वेटेड एवरेज ऑफ द टू रेजिस्टिविटी अप टू अ डेथ डी इन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉयल वेयर इन वेयर इन लिसन हेयर केयरफुली दैट द सॉयल क्लोज टू द सर्फेस बींग मोर वेटेड ओके okay, तो जो लेयर वन होगी दिस विल बी गिवन अ अर वेटेज देन द दॉय एट ग्रेटर डेप्थ सो दिस इज बींग डन हेयर दो मेथड से हम यहां पे दो मेथड्स की बात करेंगे एक है मेथड ऑफ साउंडिंग और एक है दूसरा मेथड ऑफ प्रोफाइलिंग यहां पे समझिएगा दिस मेथड ऑफ साउंडिंग इज यूज व्हेन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद डेप्थ इज रिक्वायर्ड यानी जो हम वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं ठीक वर्टिकल डायरेक्शन में कितना वेरिएशन हो रहा है हम उस चीज़ को यदि मेजर करना चाहेंगे तो ये मेथड यहाँ पे हमारे लिए काम आएगा नो द रीडिंग्स आर टेकन विद द इनक्रीज स्पेसिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स को हम देखो डिस्टेंस तो सेम रहेगा आपस में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा बट अलग अलग लेवल पर हम अलग अलग चीज़ें कर रहे होंगे देखो सबसे पहली स्टेज में यदि हम बात करें तो हमने कुछ डिस्टेंस डीवन रख रखा है इलेक्ट्रोड्स के बीच में है ना जो ग्रीन से शो कर रखे हैं देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स आपको ये ज़्यादा आउटर इलेक्ट्रोड्स जहाँ पे आपने करंट पास किया है आई जो रेड इलेक्ट्रोड्स हैं ये इनर इलेक्ट्रोड्स हैं जहाँ पे आपको पोटेंशियल मेजर करना है जो कि ई e से मेजर कर देते हो आप लोग अच्छा यदि मैं बात करूँ मैंने क्या किया ये सेंटर लाइन फिक्स कर दी सेंटर लाइन मैंने फ़िक्स कर दी अब मैंने क्या किया इसको सेंटर लाइन से दूरी बढ़ाना स्टार्ट किया पहले कुछ दूरी थी लेट से डी था फिर उसके बाद फिर कुछ दूरी थी फिर इतना हुआ फिर उसके बाद मैंने क्या किया कुछ और डिस्टेंस कर दिया ओके okay, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको कि इफ दिस इज़ अ सेंटर लाइन ऑलराइट तो मैंने इस सेंटर लाइन से दूरी बढ़ाना स्टार्ट करी है ओके okay. तो यदि ये डी है तो मैंने इसको बढ़ा क्या कर दिया डी कर दिया फिर मैंने थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड किया और दिस इज नाउ डी थ्री बट जो भी स्पेसिंग है जो भी एक एक स्टेज में में सेटअप स्पेसिंग है वही स्पेसिंग पूरे सेटअप uh, में मेंटेन रहेगी तो इसमें आप देख देख सकते हैं कि जो स्पेसिंग है वो डी थ्री है जो इसमें स्पेसिंग है इलेक्ट्रोड्स के बीच की वो डी टू है जो इसमें स्पेसिंग है दैट इज डी वन राइट सो दैरेंट रिविटीज सो ऑफटेंड गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेटर डेप्थ ऑफ सोयल तो जो रेजिस्टिविटी आपको मिल रही होगी डेप्थ बढ़ता चला जाएगा तो उसके कारण चेंज होती जाएगी अब देखते हैं कैसे इफ द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इलेक्ट्रोड स्पेसिंग आपने क्या किया आपने पहले डी वन स्पेसिंग रखी है फिर आपने क्या किया बढ़ा दिया आपने डी टू कर दिया फिर आपने डी थ्री किया स्पेसिंग जो कि आपने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है ना इफ अगर आपने स्पेसिंग बढ़ाई आपने क्या देखा कि रेजिटिविटी जो पहली बार आई थी लेट से रो है ना फिर मैं इससे इस तरह नोट करूँ रोवन या रो टू और तीसरे में आई आपकी रो रोथ्री यदि आपकी रेजिटिविटी बढ़ रही है आपने स्पेसिंग बढ़ाई और क्या हुआ रेजिटिविटी यहाँ पर बढ़ती चली गई यहाँ पर रोवन की वैल्यू बहुत कम है रो टू से और ज़्यादा कम है क्या रो रोथ्री से यदि ऐसा हो रहा है ठीक यदि ऐसा हो रहा है जहाँ रो रोवन इज लेस देन रो टू लेस देन रो रोथ्री then it indicates that the deeper stratum which has a higher resistivity has now come into picture, all right यदि मैं बात करता हूँ यदि क्या हो जाए अगर आप depth pe नीचे जाते जाओ all right डेप्थ पे नीचे इन द सेंस कि आप वहाँ पे अगर कर मेजर करना चाहो उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो आपने क्या किया जो आपकी इलेक्ट्रोड्स हैं उसकी आपने स्पेसिंग बढ़ाई बट आपने ऑब्जर्व क्या किया कि जो पहली स्टेज में जब आपने पहली पहली जब आपने डिवन स्पेसिंग के साथ आपने टेस्टिंग करी उस टाइम पर लेट से रोवन रेजिस्टिविटी आई दूसरी बार क्या आई जब आपने स्पेसिंग थोड़ी बढ़ाई तो रोटू रेजिटिविटी आई फिर आपने स्पेसिंग थोड़ी सी और बढ़ाई तो वो क्या हुआ रोथरी आई तो इसमें क्या हो रहा है रेजिटिविटी घट रही है ऑल राइट तो पहली बार तो रोवन ज़्यादा था बहुत ज़्यादा वैल्यू थी देन उसके बाद रोटू वो थी जो कि कम थी और फिर रोथरी थी ये स्पेसिंग बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ रेजिस्टिविटी अब क्या हो रही है धीरे धीरे कम होती चली जा रही है यदि ऐसा होता है सो इट इंडिकेट्स दैट द अंडरलाइंग स्टेटम नाउ दिस इज स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द अपेरेंट रेजिस्टिविटी हैज़ अ लोअर वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ठीक यदि रेजिस्टिविटी कम होती चली जा रही है तो जस्ट जो नीचे वाली जो लेयर्स uh, uh, हैं उसमें क्या है उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी कम है right. तो इसमें आगे देखते हैं एक है मेथड ऑफ़ प्रोफाइलिंग अभी तक जो हमने बात करी मेथड ऑफ साउंडिंग की उसमें क्या बात करी थी कि हम वर्टिकल डेप्थ की बात कर रहे थे ओर राइट कि आप डेप्थ में नीचे चले जाइए और उसमें आप चेक करिए कि वेरिएशन कितना आ रहा है यदि मैं बात करता हूँ प्रोफाइलिंग मेथड की तो ये जो प्रोफाइलिंग मेथड है दैट इज यूज वन द लेटरल वेरिएशन ऑफ द दॉयल स्टेटा इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड आप हॉर्जोंटल डायरेक्शन में यदि आप देखना चाहते हैं तो क्या चीज़ वहाँ पर हो रही होगी नाउ द फोर इलेक्ट्रोड्स आर मूव्ड लेटरली एज अ यूनिट कीपिंग द स्पेस सेम राइट तो आपने क्या किया जो सेटअप है आपका चार इलेक्ट्रोड्स का इसको आपने एज ए यूनिट मूव करके पे प्लेस कर दिया किसी दूसरी जगह पे प्लेस कर दिया डिस्टेंस यहाँ पे से डी थी चारों के बीच में यहां पे भी आपने क्या किया डी ही रखा और एज ए यूनिट आपको इसने आपने पे इसको शिफ्ट कर दिया रेजिस्टिविटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट सेंट्रल पोजिशन ऑफ द फोर इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे जो भी सेंट्रल पोजिशन थी इसके रिस्पेक्ट में मेजर किया यहां पर जो सेंट्रल पोजिशन थी सेंट्रल पोजिशन उसके रिस्पेक्ट में आपने मेजर किया इस चीज का ओके फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा द प्लॉट्स कैन बी यूज टू लोकेट द दॉयल ऑफ हाई और लो रेजिस्टिविटी द कंटोर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कैन बी प्लॉटेड ओवर सर्टन एरिया द रेजिस्टिविटी वैल्यूज मे बी कोरिलेटेड विद द सॉयल टाइप तो आप इसमें यूज कर सकते हो बोरहोल मेथड और अलग अलग मेथड से आप सॉयल सैंपल ऑप्टेन करके देन आप इसमें कोरिलेशन ला सकते हो ओके okay? अच्छा यहाँ पे जो कुछ स्टैंडर्ड डेटा दे रखा है आपके लिए वो ये है कि जो भी मटेरियल होगा उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ उसकी रेजिस्टिविटी होती है तो यहाँ पे आप देखते चलिएगा फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा इंफ्रेंस के बारे में बताऊँगा कि आप इसमें किस तरीके से इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्ले एंड सैचरेटेड सिल्ट का तो रजिस्टिविटी इज वॉट जीरो से टेन के बीच में ओम सेंटीमीटर इंटू टू पॉर्थ थ्री दिस इज द यूनिट डेट इज़ देयर सैंडी क्ले और वेट सिल्टी सैंड के लिए इसकी वैल्यू कितनी है दस से पच्चीस के बीच में है क्ले सैंड और सैचुरेटेड सैंड के लिए क्या है ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी के बीच में है अब देखिएगा यदि मैं बात कर रहा हूँ सैंड की सो so इसकी वैल्यू कितनी होगी फिफ्टी टू वन फिफ्टी के बीच में है ग्रेवल की बात करता हूँ वन फिफ्टी से फाइव हंड्रेड के बीच में है वेदर रॉक की बात करूँ तो हंड्रेड से टू हंड्रेड के बीच में है साउंड रॉक वेरी स्ट्रॉन्ग रॉक वन फिफ्टी से फोर थाउजेंड के बीच में है अच्छा एक चीज़ इस पर समझिएगा यदि मैं बात करूँ यदि मैं वैल्यू लेता हूँ कि आपने टेस्टिंग करी अपने इस मेथड से और आपकी जो रेजिस्टिविटी निकल के आ रही है वो 175 सेवेंटी फाइव ओम सेंटीमीटर रेट टू द पावर थ्री है ना इतनी आ रही है यदि यदि इतना आता है ठीक तो अब आप सोचिए कि आप इससे क्या इन्फ्रेंस निकाल पाएंगे तो आप गए इस डेटा पे आपने इस पर बात करी 175 है तो 175 तो इस रेंज में भी है इस रेंज में भी है और इस रेंज में भी है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ग्रेवल है कि वेदर रॉक है कि साउंड रॉक है ऑल राइट तो ये दिक्कत आती है इस वाले मेथड में कि रेंजेस इतनी ज़्यादा दे रखी हैं कि आपको निकालने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है लेट से यदि आपको निकल के आती है ये फिफ्टी वन इंटू टेन टू द पावर ऑफ थ्री ओम सेंटीमीटर्स यदि ये वैल्यू निकल के आती है तब आप क्या करेंगे तब भी आपको देखो यहाँ पे वेरिएशन एक देखना पड़ेगा कि ये फिफ्टी वाली फिफ्टी वन तो यार यहाँ पे भी आ सकता है और ये एक सैंड भी हो सकता है तो यू विल नॉट बी श्योर कि ये किस प्रकार का एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके आप नहीं कह पाओगे तो जब आप पिन पॉइंट करके कोई चीज़ नहीं कह पाओगे तो क्या ये रिलेबल मेथड कहलाएगा नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा सो so, इसीलिए अब हम इसका थोड़ा सा लिमिटेशन देखते हैं पहली चीज़ दिस मेथड इज़ नॉट एज रिलेबल एज सीस्मिक रिफ्लैक्शन मेथड ऑल राइट सिसमिक रिफ्लैक्शन मैथड की हम बात करेंगे वो थोड़ा सा एडवांस्ड है उसमें भी कुछ खामियां हैं बट इससे तो थो थोड़ा सा बेटर है वो ऑल राइट नाउ द रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ द अपेरेंट रेजिस्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर सॉयल और रॉक इज़ वेरी लार्ज जो आपने पिछले टेबल में देखा कि जो रेंज दे रखी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी ऑल राइट ना द टेस्ट रिजल्ट शुड भी कोरिलेटेड विद द बोरहोल ऑब्जर्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाई दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको एक्चुअल में पिन पॉइंट नहीं पता है कि कौन सा सॉयल है सैंड है कि यहाँ पे क्ले ऑल राइट तो आपने क्या किया अपना तो आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड पहले अप्लाई किया तो आपको कुछ ना कुछ डेटा मिला उसके अकॉर्डिंगली कि इतना रेजिस्टिविटी है सॉयल का इतना नहीं है व्हाट्स एवर आपने क्या किया दूसरा आपने बोरहोल से जो आपने सॉयल सैंपल ऑप्टेन किया उससे आपने क्या किया कि आपने कोरिलेट किया कि हाँ जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से मुझे सोयल का सैंपल मिल रहा था या मैं कहूँ कि जो डेटा मिल रहा था रेजिस्टिविटी का क्या वो सेम है जो मुझे बोरहोल के डेटा से मिल रहा है यदि ऐसा होता है देन दिस डेटा इज एक्यूरेट है ना डेटा की एक्यूरेसी अगर हमें चेक करनी है तो हम दो चीज़ों से कोरिलेट कर लेते हैं ओके okay, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कोई भी सैंपल यहाँ ऑप्टेन नहीं किया जाता है नहीं होता है तो हमें इसीलिए बोरहोल डेटा को यूज़ करना पड़ जाता है इफ़ इट इज़ नॉट रिलायबल तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जहाँ हमने बात करी रेजिस्टिविटी की यदि मैं बात करता हूँ सीस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड की ऑल राइट right? तो यहाँ पे सीस्मिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि हमें सीस्मिक वेव्स का यूज़ करना होगा दूसरी चीज़ रिफ्रैक्शन की बात होगी ऑल राइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लूँगा यहाँ पर ओके सो डेट इज़ हेयर नाउ अंडरस्टैंड डेट सीस्मिक सीस्मिक वेवस जो यूजली अर्थ को एक के टाइम पर जनरेट होती हैं इवन ऑन द स्लाइट मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स दीज वेव्स गेट जनरेटेड है ना जो अर्थ में जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट के कारण क्या होगा कुछ वेव्स जनरेट होती हैं जो कि सीस्मिक वेव्स होती हैं सीस्मिक वेव्स कई प्रकार की होती हैं अगर हम बात करूँ प्राइमरी वेव हुआ सेकेंडरी वेव हुआ इवन लव वेव हुआ है ना तो कई सारी वेव होती है यहाँ मैं दो बात करूंगा एक प्राइमरी वेव है और एक सेकेंडरी वेव की ओके okay. तो सीसी वेव क्या होंगी डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी ये रखती है थिकनेस ऑफ द डिफरेंट लेयर्स एंड जनरल सॉइल टाइप ऑनलाइट हमें पहले तो थिकनेस बतानी है कि हर एक लेयर की क्या क्या थिकनेस है दूसरी चीज़ कि किस प्रकार का आपका सॉइल है अच्छा मेथड क्या है इट इज़ कंडक्टेड बाय इंड्यूसिंग इंपैक्ट ओके तो हम अब आ रहे हैं इसके मेथड पे दिस इज़ कंडक्टेड बाय इंड्यूसिंग इंपैक्ट इंपैक्ट मतलब प्रहार अब प्रहार किस प्रकार से आप कर सकते हो या किस प्रकार से आप कुछ इसमें इंड्यूस कर सकते हो इंपैक्ट दो तरीके हैं एक तो आप हैमर का यूज़ करो सिंपल ऑल राइट एक होता है आप एक्सप्लोजिव का यूज़ करो एक्सप्लोजिव या चार्ज या डेटोनेटर इस प्रकार का जब वर्ड आपके यूज़ होंगे तो ये एक्सप्लोजिव का यूज़ होगा ओके लेट से इफ दिस इज़ द ग्राउंड लेवल ओके okay. और यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने एक हैमर का यूज़ किया राइट इस हैमर के इम्पैक्ट से क्या होगा कुछ न कुछ वेव्स जनरेट होंगी कुछ न कुछ जो भी वेव्स जनरेट होंगी हम उसको यहाँ पे चेक करेंगे कि हाँ ये जा रही है और इस लेयर से रिफ्लेक्ट हो रही है या फिर और अंदर चली जा रही है है ना ये हो सकता है यदि मैं दूसरा बात करूँ तो यही ग्राउंड लेवल पर मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे जस्ट एट द ग्राउंड लेवल थोड़ा सा नीचे मैंने क्या किया एक एक्सप्लोजिव डाल दिया ओके okay? और जब इस एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड कराया तब इसके कारण क्या होगा धरती में कुछ ना कुछ कंपन आएगा जो ये कंपन आएगा ये क्या है एक तरीके से वेव जनरेट हो रही हैं कुछ प्राइमरी वेव्स होंगी कुछ सेकंडी वेव जनरेट होंगे ओके ये बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजिव नहीं होता है छोटा सा एक्सप्लोजिव रहता है जो कि कुछ डिस्टेंस के लिए आपको मेजर करा दे ओके okay? कुछ स्मॉल एरिया के लिए जहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन आपको लेने हैं जहाँ पर आपको टेस्टिंग करनी है वहाँ की आपके लिए हेल्प कर दे सो दीज आर द टू टू मेथड्स शेयर यदि मैं बात करूँ कि इम्पैक्ट की तो मैंने आपको एक बताया हैमर से है ना हैमर को आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो ग्राउंड पे आपने अगर ऐसे हैमर प्रहार किया ओके okay, तो डेट इज़ व्हाट द प्राइमरी वेव विल गेट जनरेटेड दूसरी समझिएगा यदि मैं हैमर का यदि मैंने यहाँ पे एक लोहे का या आयरन का समथिंग एक ब्लॉक ले लिया ओके okay, और मैं यहाँ पर साइड से प्रहार करता हूँ ठीक फ्रॉम दिस लिटरल डायरेक्शन अब क्या होगा जो भी वेव जनरेट होगी नीचे जो भी वेव जनरेट होगी नीचे डैट इज द सेकेंडरी वेव तो यूजली हम अभी इसकी ही बात करेंगे प्राइमरी वेव की ही बात करेंगे सेकेंडरी वेव में हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे इस मेथड में बट मोस्ट ऑफ द थिंग यू बी टॉकिंग अबाउट दिस इज प्राइमरी वेव सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे देखते हैं द रिडियटिंग शॉक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाई डिवाइस कॉल्ड एज जियोफोन अब आप कुछ सोचिए यदि आपने कोई एक्सप्लोजिव एक्सप्लोर कराया तो उसको मेजर करने के लिए कितना आया कितना उसका इंटेंसिटी था कितना कहाँ पे रीच कर रहा है है ना सो डैट इज़ टू बी मेजर्ड यदि कोई सोर्स है तो उसका रिसीवर भी तो होना चाहिए है ना यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सामने वाला भी तो कुछ बात करना चाहिए तो उसी तरीके से यदि आपका कोई सोर्स है जो कि इम्पैक्ट होगा तो कोई रिसीव करने के लिए होना चाहिए तो ये जो रिसीव करने के लिए है दीज आर वॉट नथिंग बट द जियो ठीक है जियो फोन का काम क्या होता है द रिकॉर्ड द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव से सोर्स से वेव निकली तो कितने समय बाद कितने समय बाद वो रिसीवर तक पहुंची तो, geophone. Now, geophone है ना तो दिस टाइम इज बाय दिस दियो फोन जियो फोन जनरली प्लेस इंटरवल्स ऑन द ग्राउंड कुछ फिजिक्स की बातें देख लीजिए यहां पे। यदि मैं बात करता हूं रेयर से डेंसर मीडियम के जाने के लिए तो ये हम यहां पे मेनली रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं अभी ओके okay? रेरर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो क्या होता है आपको पता है ये चीज़ कि वेव कहाँ पे टर्न कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑल राइट यदि मैं बात करता हूँ डेंसर से रेयर मीडियम में जाने के लिए अब यहाँ पर क्या होता है जो वेव टर्न करती है वो किधर टर्न करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो आई है दिस आए दिस इज़ वॉट इंसिडेंस का एंगल जो आर है दिस इज वाट रिफ्रैक्शन का एंगल अच्छा एक चीज़ और समझिएगा जो डेंसर मीडियम होता है वहाँ पे क्या होता है वेव की वेलोसिटी स्लो हो जाती है लाइट की बात करें या फिर वेव की बात करें वो जो वेव्स हैं वो क्या होंगी थोड़ी सी स्लो मूव करेंगी अच्छा ये चीज़ तो समझ में आ गई जो यहाँ पे एन होता है जिसके कारण जिसके कारण क्या हो रहा है वेव अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर रही है वो किस रूप में आपको दिखाई देगा वो समझिएगा यहाँ पर यही सारा खेल है यहाँ पे दिस एन वन और एन टू का यानी मैं बात करूँ एन वन एन टू क्या है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडसीज अच्छा इसको हम यदि हम एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है दिस इज गिवन बाय सी अपॉन वी वन सी जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है और वी वन जो भी उस मीडियम में जितनी भी वेव की गति है दैट इज दिस सी बाय दिस वी वन एयर यदि मैं बात करता हूँ एन टू की तो ये क्या हो जाएगा सी अपॉन वी टू लाइट तो यदि मैं बात करूँ स्नैल्स लॉ की स्नेल साहब ने यह लॉ दिया था जिसके तहत एन वन साइन आए इज इक्वल टू एन टू साइन आर अच्छा आपको एन वन की वैल्यू यहाँ से मिल गई दिस एन टू की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई ओके okay. तो जब आप वैल्यू वहाँ पर पुट करते हो सी बाई वी वन साइन आए सी बाय वी टू साइन आर सो दिस कम्स आउट टू वी वॉट साइन आए बाई वी वन इज इक्वल टू साइन आर वी टू यदि मैं इसको थोड़ा सा और सिम्प्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन आए बाय साइन आर इज इक्वल टू वॉट वी वन बाय वी टू तो इसको थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा इसको हम आगे जाके यूज़ कर रहे होंगे ओके साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू दिस वी वन बाई वी टू अच्छा यदि मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन की तो रिफ्लेक्शन भी थोड़ा सा है समझ लीजिए यदि ये यहाँ पर हमने मिरर प्लेस कर रखा है है ना शीशे में आप यहाँ पे लाइट डालो तो क्या होता है इधर पे रिफ्लेक्ट हो जाती है और जो ये एंगल होता है लेट से आई ये किसके बराबर आता है आर यहाँ पे आई इजल टू आर होता है ये किसका केस है ये है रिफ्लेक्शन का केस ओके okay. पहली चीज़ अच्छा एक चीज़ और समझिएगा यदि मैं थोड़ा सा रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा और एंटर करूँ तो यहाँ पर समझिएगा कि यदि यहाँ पर लाइट आई ओके okay, तो इलेट से ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है अब नॉर्मल तो ये है तो क्या किया इसने यहाँ पर टर्न कर गई है ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो ये नॉर्मल लाइन है इससे थोड़ा सा दूर जाती है क्यों क्योंकि रेरर मीडियम में क्या हो गई गति थोड़ी सी तेज़ मिल गई वेव को वेव की अगर स्पीड तेज हो जाती है तो यह अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये मूव कर गई अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ऐसा कर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा दो है ना थोड़ा सा बढ़ा दो तो क्या होगा कि ये वेव क्या हो जाए ये यहाँ पर ट्रेवल करने लग जाए ओके तो अब इस केस में क्या होगा इस केस में क्या होगा समझिएगा कि आई तो ये रहा है ना बट जो रिफ्रैक्टेड रे थी यहां ना जाके वो क्या करे यहां पे चली जाए तो इस केस में क्या होगा जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी नाइन्टी डिग्री होगी तो दिस आर इज इक्वल टू वॉट नाइन्टी डिग्री है और जो आई है इसको हम बोल देते हैं क्या आई सी आई सी और आई सी क्या है आपका क्रिटिकल एंगल राइट सो ये भी एक केस होता है जहाँ पे इंसिडेंट एंगल तो ये है और जो आर है दिस इज वॉट नाइन्टी डिग्रीज अच्छा अब इसमें आप समझिएगा हम सी सी रिफ्रैक्शन मेथड में हम एंटर कर रहे हैं जितनी फिजिक्स की बातें थी उसको हम अभी अप्लाई करेंगे आगे इसीलिए मैंने उसका डिस्कशन किया है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या ये ग्राउंड लेवल है आपका ये आपकी सॉयल लेयर वन है लेयर टू है और लेयर थ्री है यदि मैं बात करता हूँ सोर्स की सोर्स यानी कि क्या कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा इम्पैक्ट किसी भी प्रकार से हो सकता है हैमर से भी हो सकता है इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्लोजिव अगर यहाँ पे इम्पैक्ट होता है देन द वेव्स विल बी ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस अच्छा यहाँ पे नीचे तो गई साथ में क्या होता है यहाँ पे भी तो वेव जाएगी जाएगी तो देखो थोड़ा सा अगर बात करें तो वेव डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ तो ऊपर भी रहेगा बट हमारे काम का वो नहीं है हमारे काम का सिर्फ सिर्फ क्या है हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ वो है जो ग्राउंड के अंदर जा रहा है या फिर जो ग्राउंड की सतह पे जा रही है वेव ठीक है तो वी आर टेकिंग दिस कि वेव अलग अलग, अलग डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रैवल करेगी अच्छा अलग अलग, अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वेव की बात कर रहे हैं लेट से यहाँ पर जो वेव वेलोसिटी की बात करी वो हमने बात करी वी की जैसे ही सॉयल चेंज हुई सॉयल चेंज हुई मतलब रेजिस्टिविटी चेंज हुई रेजिस्टिविटी चेंज हुई मतलब कि वेलोसिटी में भी अंतर आ चुका होगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो चुकी होगी दूसरी वाली लेयर में सिमिलरली तीसरी वाली लेयर में भी क्या होगा प्रॉपर्टीज़ अलग है वाटर कंटेंट अलग है मिनरल कंटेंट अलग है तो क्या होगा रेस की वेलोसिटी में बदलाव आ जाएगा सो दिस विल बी लाइक वॉट वी पी थ्री हम चेंज कर दे रहे हैं वी पी वन ज़्यादा है वी पी टू ज़्यादा है वीपी थ्री ज़्यादा है इसके बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कह रहा हूँ ओके बट यहाँ पर समझिएगा यदि मैं बात करता हूँ कि ये पहली जो रे निकली यहाँ पे ओके जो पहली रे निकली मैंने इस टूडेंट को यहाँ पे लिया अब इस रे ने क्या किया लेट्स से ये रे यहाँ चली आई ओके फिर ये भी हो सकता था कि ये रे जो है नीचे चली जाती ओके ये चीज़ थी पहली कुछ एंगल रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो रहा होगा आई है ना यहाँ पर अगर कुछ रहा होगा तो ये रहा होगा आर है ना कुछ रिफ्क्शन हुआ होगा ये हो सकता है पहला केस दूसरा समझिएगा एक चीज़ और यहाँ पे यदि ये रे यहाँ निकली और कुछ ना हुआ और सिंपली क्या हो गई ये रिफ्लेक्ट कर गई यहाँ से आई और यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गई तब क्या हुआ इट इज़ द सिंपल केस ऑफ रिफ्लेक्शन एक और चीज समझिएगा यदि ये रे यहाँ पे आई ओके okay? ये रे यहाँ पे आई बट क्या हुआ ये रे यहाँ पे चली गई रिफ्लैक्ट होके दैट इज वॉट ये तो नॉर्मल रहा आपका ये तो नॉर्मल रहा इस नॉर्मल से क्या हुई अवे मूव कर गई जाना तो चाहिए था इस रास्ते में इसको है ना बट ये क्या हुआ इसकी अवे फ्रॉम अवे मूव कर गई दिस इज अ रिफ्रैक्शन एयर एक केस ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये रे यहाँ पे आई और ये 90 डिग्री यहाँ पे मूव करी यदि 90 नाइन्टी डिग्री मूव करती है जहां पे भी इसको जियोफोन मिला ये क्या हुआ जो भी वेव यहाँ पे जा रही होगी ये क्या हुआ जियोफोन जब इसे रिसीव करेगा इस रेव इस वेव को सो दिस विल वॉट कितना टाइम ले रहा है ये जियोफोन नोट कर लेगा ओके okay? ओके okay, तो ये अलग अलग देखिए यहाँ पे जियोफोन लगा रखे हैं यहाँ पे देखो रिफेक्टिव वेव ही चली आई यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके आई वेव है ना इस जो यहाँ पे इस पॉइंट से एक और रिफ्रैक्ट होके आई है वेव तो ये जियोफोन जो है अलग अलग जो जियोफोन से यहाँ रखे हुए हैं वो यहाँ पे इसको मेजर कर रहे होंगे ओके अच्छा यदि मैं बात करूँ कि लेयर टू में कोई चीज़ चली है है ना लेयर टू में वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है क्या ये यहाँ पर ट्रेवल करे और यहाँ फिर ऊपर जाए और देन यहाँ पर नॉर्मल की बात करूँ मैं तो जाना तो यहाँ चाहिए था बट क्या है ये लेट्स से दिस इज द डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम तो यहाँ पे क्या हुआ टूवर्ड्स द नॉर्मल ये टर्न कर गई टूवर्ड्स द नॉर्मल यदि टुवर्ड्स द नॉर्मल ये टर्न करती है तो ये कहाँ पहुँच गई इस जियोफोन के पास यहाँ पे पहुँच गई ओके okay. अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे हम जितनी भी बातें कर रहे हैं जितना भी हम सि रिफ्रैक्शन मेथड में पढ़ेंगे वो सारी सारी चीज़ें हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस वी पी थ्री इज ग्रेटर देन वी पी टू इज ग्रेटर देन वी पी ओके okay. तो यहाँ पे ये तो हमने एजम्शन बेसिक मान रखा है ओ right. तो एक चीज़ तो आपको ये पता है क्या कि साइन अल्फ़ा वन दैट इज वॉट दिस ये अल्फ़ा वन है ना और देखिए एक चीज़ और ये क्या है साइन अल्फा थ्री यदि मैं सिर्फ इसको और इसको मैं देखता हूँ तो ये क्या है अल्फ़ा वन और अल्फ़ा थ्री इज वॉट साइन आए दिस साइन आर दिस वी पी वन और ये वी पी टू ओके तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू Mm, vp1 by vp2 so we will be continuing this topic in the next class now okay thank you